इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे अस्टिया T10 के आज के मैच नंबर 1 के बारे में, जो आपका खेला जाएगा दोस्तों अस्टिया और स्वीडन के बीच में। एक इंटरनेशनल लेवल का मैच है। कल भी इस टूर्नामेंट को हम लोगों ने कवर किया था। कल मैंने ज़्यादा मैच कवर नहीं किया था, एक ही मैच कवर किया था, जो हम लोगों ने वन साइडेड विन भी किया था, जिसमें कैप्टन हम लोग के केसिंग थे, वाइस कैप्टन बी जालमी थे। आज भी एक ही मैं मैच कवर करूंगा इस टूर्नामेंट का, जो फर्स्ट मैच है, जो आपका 12:30 से खेला जाएगा। इस मैच की रिगार्डिंग आपको सभी इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड कर दिया, चाहे वो प्लेयर का रिसेंट मैचों का परफॉर्मेंस हो, चाहे वो आपका ट्रॉम कार्ड प्लेयर हो। वीडियो को फोकस के साथ देखिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, ना हो तो फाइनल टीम जो मैंने वीडियो में दिया है उसको सेव कर लीजिएगा। कोई चेंज या कोई अपडेट करना होगा उस टीम में तो मैं एक बार फाइनल कम्बिनेशन फिर से टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा। जिन भाइयों ने टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है ज़रूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक ना आपको कॉमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट कॉमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा। जाइए दोस्तों और टेलीग्राम के साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा। और जिन भाइयों ने अभी तक YouTube चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का घंटी बजा दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब अस्टिया और स्वीडन के मैच में क्या कम्बिनेशन लेके चलेंगे। आते हैं सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन में, जहाँ पे पहला ऑप्शन है एस अली का। कल का फर्स्ट मैच बैटिंग करने नहीं आया दोस्तों, पता नहीं क्यों नहीं बैटिंग करने आया, मेरे को भी समझ में नहीं आया था, क्योंकि ये आते हमेशा ओपन है। अब सेकेंड मैच ही देखो ना, सेकेंड मैच में कहाँ पे बैटिंग किए, ओपन बैटिंग की और ज़बरदस्त बैटिंग करके गए। लेना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, खिलाड़ी बहुत अच्छा है, बॉलिंग तो नहीं करेगा लेकिन बैटिंग से ही अच्छा खासा पॉइंट दे जाएगा। ए नईम कंसिस्टेंट अच्छा कर रहे हैं, इससे पहले भी जो अस्टिया T10 हुआ था वहाँ पर भी अच्छा किए थे, और इंटरनेशनल लेवल पे भी कंसिस्टेंट अच्छा कर रहे हैं, ज़रूर लेके चलो। देखो दोस्तों ए मुंडा लास्ट मैच में ना बढ़िया किया था परफॉर्मेंस, लेकिन मेरे को ना बहुत ज़्यादा भरोसेमंद प्लेयर अभी नहीं दिखा है, थोड़ा सा इनका स्ट्रगल मेरे को देखने को मिल रहा है बी जालमी के अगेंस्ट। अभी मैं नहीं ले रहा हूँ, देखता हूँ इनका डिसीजन रखेंगे टॉस के टाइम में, ठीक ना। अभी मैं यही रिकमेंड करूँगा, रोटेशन में आप इन पे ज़्यादा फोकस करना, फिक्स मत करना। एआरडी खेले तब भी आप ड्रॉप कर सकते हो, एक तो रिसेंट मैचों में बहुत ख़राब परफॉर्मेंस रहा है। एस रहीमी लेना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ऑलराउंडर वाला काम कर रहे हैं, आपको बॉलिंग भी कर रहे हैं और साथ ही साथ बैटिंग बैकअप भी दे रहे हैं, तो इनको ले लो बैटिंग सेक्शन से, क्योंकि ऑलराउंडर प्लेयर है। आइजुबेक फर्स्ट मैच बेहतर रहा था, सेकेंड मैच थोड़ा जल्दी आउट हो गए थे। फर्स्ट मैच बढ़िया किए थे, सेकेंड मैच थोड़ा फ्लॉप गए, और सेकेंड मैच में ये भी है ना, इनका थोड़ा बैटिंग पोजीशन देखोगे तो फर्स्ट मैच में ओपन बैटिंग किए थे और सेकेंड मैच में 5 नंबर पर बैटिंग पोजीशन इनका भेज दिया गया था, तो ये भी एक रीज़न है कि ये फ्लॉप गए थे लास्ट मैच में। नहीं तो है तो यार बहुत अच्छे प्लेयर। मैं आपको क्या रिकमेंड करूँ ना, आइजुबेक और इधर से ए मुंडरा, ये दोनों प्लेयर को रोटेशन में यूज़ करना, ठीक ना। ये आपका फर्स्ट रोटेशन हो गया, आप इनको टीम में ले सकते हो, नहीं तो आप इनको टीम में ले सकते हो, ओके। आई सिग्वल एक ग्रैंडलिक का ऑप्शन रहेगा, स्मॉलिंग में थोड़ा रिक्सी बन जाता है, क्योंकि बैटिंग पोजीशन दोस्तों इनका बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला रहता है, कभी कोई फिक्स बैटिंग पोजीशन नहीं है। लास्ट मैच में टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने आए थे बट अच्छा नहीं कर पाए थे, और इसी वजह से सिलेक्शन लेवल भी काफ़ी ज़्यादा इनका कम हो गया है। बट एक ऐसे ऑप्शन है जिन पर आप रिक्स ज़रूर ले सकते हो, यदि रिक्स वर्क कर गया तो आपको वन साइडेड विन करवा सकते हैं। जे गजाई दोस्तों देखो इस टूर्नामेंट में एक तो टॉप ऑर्डर में इनको बैटिंग करने का चांस नहीं मिल रहा है, इसी वजह से मैं उतना रिकमेंड आपको नहीं करूँगा। आर सिंह को तो एकदम मत ट्राई ही करना। हाँ यदि दोस्तों आईएससी भी यदि गलती से भी आज खेलते हुए मिल जाए 100% लेके चल जाना, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। यदि ये खेलता है तो डायरेक्ट ओपन ही बैटिंग करेगा। कल के दिन 2 मैच हुआ था, दोनों मैच में ये अब्सेंट थे, इसी वजह से मैं अभी नहीं ले रहा हूँ। और लाउंडर सेक्शन बी जालमाई ज़रूर लेके चलना, एज अ कैप्टन भी सी आप चाहो इनको ट्राई करो, टीम में ज़रूर रखना है। 2 ओवर का बॉलिंग और टॉप ऑर्डर में आके बैटिंग। एस गंगवानी अनदर इम्पॉर्टेंट प्लेयर, जो 2 ओवर का आपको लेफ्ट आर्म बॉलिंग करके देगा, बैटिंग से चांस मिला तो आपको बैटिंग बैकअप भी प्रोवाइड करता है, ये भी आपके टीम में 100% होने चाहिए। केसिंग कल का याद है फर्स्ट वाला मैच जो हम लोगों ने अल्ट्रा क्लीनशिप किया था, वहाँ पे केसिंग हम लोग के कैप्टन थे और भाई ने क्या बैटिंग किया था यार, ज़बरदस्त 50+ स्कोर किए थे। लेकिन एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, केसिंग टूर्नामेंट में बॉलिंग नहीं कर रहे, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक ना। आप देखोगे दोनों मैच में, फर्स्ट मैच में तो डेफिनेटली इन्होंने 1 ओवर बॉलिंग कर दिया था, वो भी इसलिए कर दिए थे ना कि इनका थोड़ा सा मैच फंस गया था,
नहीं तो आप सेकेंड मैच में देखोगे तो इसमें भी वो भी एक ओवर बॉलिंग किए थे, लेकिन ये भी उसी टाइम किए जब मैच फंसा हुआ था, लेकिन ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए थे। आप देखोगे एक ही ओवर में 27 रन तक खर्च कर दिए थे। तो बॉलिंग से केसिंग से उम्मीद मत रखना, बैटिंग बढ़िया करेगा एन बालूची। तो यार बॉलिंग भी अच्छा करेगा, बैटिंग भी अच्छा करेगा, कोई क्वेश्चन ही नहीं लेना इनके बारे में, ज़रूर टीम में लगना। के जाहिद दोस्तों देखो बैटिंग से मेरे को 0% उम्मीद है, बैटिंग रिसेंट मैचों में इनका बहुत ख़राब रहा है, लेकिन बॉलिंग अच्छा करते हैं। फर्स्ट मैच देखोगे 2 विकेट निकाले भी थे, सेकेंड मैच में विकेट नहीं मिला था। बट एक ऐसा ऑप्शन ज़रूर है जिन पर आप रोटेशन में ज़रूर फोकस करो, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में। ए समद नहीं ले पाऊंगा, अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहे हैं यार, इसका मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। एन हसन को क्या हुआ है, बहुत अच्छा प्लेयर है लेकिन एकदम आउट ऑफ फॉर्म में चल रहा है। थोड़ा ये ग्रैंड लीग में ध्यान रखना, प्लेइंग 11 में आए ना, तो ग्रैंड लीग में आप फोकस करके चल सकते हो। यदि बाई चांस भी परफॉर्मेंस कर देगा ना, क्योंकि है ऑलराउंडर प्लेयर दोस्तों, आपका रैंक वन साइडेड करके फेंक देगा, ध्यान रखिएगा। स्मॉल लीग में इतना मैं रिस्क लेने को नहीं बोलूँगा, बट जीएल में आप ले सकते हो। एक बार यदि खेलता है दोस्तों तो ज़रूर ट्राई करना है स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में। कल के दिन दोनों मैच में अपसेंट नहीं थे, सॉरी परजेंट नहीं थे, अपसेंट थे, इसी वजह से मैं अभी नहीं ले रहा हूँ। बॉलिंग सेक्शन में जे स्टेंगिस ज़रूर ट्राई करो, 2 मैच खेला है, दोनों मैच में भाई ने 2-2 विकेट लिया है, अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं, विकेट टेकर बॉलर मुझे दिखे, विकेट टू विकेट बॉलिंग कर रहे हैं, ज़रूर पिक करो। आई साफ़ी देखो बॉलिंग फर्स्ट में तो आई साफ़ी मुझे लग रहा है 1-2 विकेट इस मैच में निकालेगा, लेकिन बॉलिंग सेकेंड में थोड़ा सा शक है इन पे। मैं अभी टीम में ले रहा हूँ, सिलेक्शन हाई है और अच्छा बॉलर है, 2 ओवर का बॉलिंग करता है, लेकिन रोटेशन में आप चाहो तो इनको भी ले जा सकते हो। ज़ादरान देखो बैटिंग से यहाँ कुछ नहीं करेगा, बैटिंग से इनका प्रॉब्लम क्या है, चांस आने वाला नहीं है, जो भी कुछ ये करेंगे आपको बॉलिंग से ही करके देंगे। फर्स्ट मैच अच्छा गया था, सेकेंड मैच विकेट नहीं मिला था, बट 2 ओवर का ज़रूर आपको बॉलिंग करके देता है, मैं अभी बैक करके ही चलता हूँ। आप क्या करना ना, ज़ादरान और इधर से क्या गया के वाहिद, ये रहा के जाहिद, ये दोनों में से कोई एक प्लेयर ले लेना। मैं सिंपल आपको क्या रिकमेंड करूँगा, यदि AUT की टीम फर्स्ट बॉलिंग करे एस ज़ादरान को ले लेना, यदि स्वीडन की टीम फर्स्ट बॉलिंग करे के जाहिद को पिक कर लेना। ओके कोई क्वेश्चन दोस्तों? नहीं ना, एक ये रोटेशन हो गया। अभी तक मैंने आपको कितना रोटेशन दिया है, एक तो दोस्तों मुंड्रा का रोटेशन कर यूज़ कर लीजिएगा आईजू पैक के साथ, जो भी टॉप ऑर्डर में है आप उसको ट्राई कर सकते हो, दोनों को मत लेना एक टीम में। सेगवाल को आप रोटेट कर सकते हो साफ़ी के साथ, आई साफ़ी के साथ, यदि बैटिंग फर्स्ट करती है यूटी की टीम तो आप इन पे रिक्स ले सकते हो, नहीं तो बॉलिंग फर्स्ट करे तो रिक्स मत लेना, सेफ चला जाना। पी शुक्ला से मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन एक प्लेयर है जिनको मैं आपको रिकमेंड करूंगा, फोकस रखना, नाम है इनका दोस्तों ताविक। देखो ही इज़ अ विकेट टेकर बॉलर, भाई लोग खतरनाक विकेट टेकर बॉलर है। एक होता है ना एक ओवर में एक विकेट ले, ये एक ओवर में 3 विकेट लेने वाले बॉलर है। अब हुआ क्या है ना, कल के दिन जो इन्होंने एक ही मैच खेला था वहाँ पे इनको बॉलिंग नहीं दिया गया था, इसीलिए लोग समझ रहे यार ये बॉलर है नहीं कोई खास, लेकिन मैं बता दूँ T10 का रिकॉर्ड ज़बरदस्त है भाई लोग। रिक्स लेने वाले बंदे रिक्स इन पे ज़रूर ले सकते हैं, बॉलिंग करने का चांस मिला ना तो विकेट ज़रूर लेगा। अब इनको चांस मिले यही दोस्तों कैप्टन पे डिपेंड करता है वो चीज़, लेकिन बॉलर अच्छे हैं, 2% सिलेक्शन हो सकता है और भी कम जाए तो वो तो और भी अच्छा है। अकबर जान इस टूर्नामेंट में देखो इंटरनेशनल लेवल पे बैटिंग से मुझे उम्मीद नहीं है, बॉलिंग भी उतना खास नहीं कर रहे हैं अभी। अब छोटे लेवल पे ये बहुत बड़े प्लेयर थे, छोटे लेवल पे हम लोग इनको कैप्टन भी सी कर रहे थे STR T10 में, लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल का बात आता है ना तो वहाँ पे चेंजेज हो जाता है। एक तो बैटिंग पोजीशन आप देखोगे STR T10 में ये 1 नंबर पे बैटिंग कर रहे थे, फर्स्ट राउंड आ रहे थे, यहाँ पे इनका 1 नंबर पे कहाँ, 5-6 नंबर पे बैटिंग पोजीशन चला गया है। तो मेन तो मैं आपको फोकस रखने के लिए एक इन पे बोलूँगा, ज़्यादातर फोकस इन पे एक रखना। इधर से के जाहिद का मैंने ऑलरेडी रोटेशन बता दिया, ग्रैंड लीग में इन हसन पे ज़रूर फोकस करना। मैं 11 प्लेयर इधर से ना ऐसा करता हूँ, आइजुबेक को ले लेता हूँ। कैप्टन BC अभी के लिए मैं रिकमेंड करूँगा, देखो 20 आदमी बॉलिंग बैटिंग दोनों करेगा, मैं इनको कर रहा हूँ। केसिंग बॉलिंग नहीं करेगा बैटिंग करेगा, तो मैंने इनको BC किया है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा और भी ऑप्शन आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। एक तो ये नाम ध्यान रखिएगा, एन बालूच बहुत शानदार बॉलर है और उतना ही अच्छा बैट्समैन है, इनको भी एज अ कैप्टन BC पे ज़रूर ट्राई करना, लोग इन पर फोकस नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा SLE एक ऐसा प्लेयर जो टिक जाता है तो अकेले 70-80 रन तो इनके लिए छोटा बात है, आराम से कर जाते हैं।
तो इनको भी एज अ कैप्टन बीसी के लिए ज़रूर फोकस रखिएगा, ठीक ना। ज़्यादा मैं कन्फ्यूज़ नहीं करूँगा, ये चार नाम है जिनको आप कैप्टन बीसी ट्राई कीजिएगा। ये टीम अभी के लिए सेव कर लीजिए, कोई चेंज या कोई अपडेट करना होगा तो मैं फाइनल कम्बिनेशन एक बार फिर से टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक ना। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, लिंक टेलीग्राम चैनल का इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक ना आपको कमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा, वहाँ से भी आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन भाइयों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का इजीली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक ना दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर दोस्तों एंड बाय बाय।